ये उसी तरह का मिलता जुलता लग रहा है डिज़ाइन। हाँ लेकिन रेड से ज़्यादा मुझे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लग्जरी एक जो है ना इसमें एक लुक आ रहा है। लाइटिंग भी कुछ इस तरह की हुई है ब्लू। खास कस्टमर्स के लिए क्या रियायत हो जाएगी ये बताइए। देखिए पूरी मार्केट भरी पड़ी हुई है, लोग हमारी वीडियो देखकर जब आएंगे तो उनको कोई ना कोई फायदा होगा, तो फिर हमारा भी फायदा है और लोगों का भी फायदा ये होगा। एक मिसाल मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि अगर कस्टमर आपकी वीडियो देखता है और वो आता है हमारे पास रेट लेता है, हाँ, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि यार हम आपकी वो वीडियो देख के आए हैं। हाँ हाँ वो तो लाजमी सी बात है। अच्छा अंदर एक चीज मुझे शिकवा है, पता नहीं वो जाहिर है कहाँ से होता है, ये जो है ना ये झूल जाता है, तो ये नीचे को इस तरह की सपोर्ट वगैरह नहीं लगा सकते फर्नीचर वाले। ये भाई मेरे पास ये इस पर कोई चीज भी रखो ना, बड़ी पतली सी चादर है, क्वालिटी झूल जाता है, बिल्कुल गोल हो जाता है। ये गीले कपड़े से आप इसको साफ कर सकते हैं, इसकी एहतियात ये है कि जैसे हम लोग चाय में पापड़ डुबोते हैं, हाँ, ये पानी में ऐसे नहीं डूबे, बाकी लाइफ गारंटी मेरी है। पानी में ऐसे नहीं डूबे मतलब जाहिर सी बात है, जाहिर है उसको कश्ती में तो लेके जाना है समंदर पार। 90% ऐसे भाई मेरे पास कस्टमर आया था, सेट लेके था, 5 साल के बाद उसके ऐसे पाइप लगा के पूरे सेट को धो दिया, बच्चों ने मार करके निशान मार दिए थे, तो पाइप से धोया है, तो इसलिए कहते हैं कि इसकी एहतियात ये है, चाय में पापा नहीं डूबे। अच्छी है। चाय में पापा नहीं डूबे भाई, हिट हो जाएगा आपका जो। अलमारी बहुत खूबसूरत है इसकी, ये डिवाइडर है इसका। अच्छा ये डिवाइडर है, ये अलमारी है, अलमारी वो है, अलमारी में शीशे और कुशन आ रहा है। अच्छा जी दोस्तों, मैं इस वक्त जो है लालू खेत मार्केट में मौजूद हूँ और फर्नीचर की एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक और आप लोगों की फरमाइश पर आप लोगों ने काफ़ी वो पसंद की, और वैसे भी शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है तो उस लिहाज से थोड़ा और ज़्यादा वैरायटी मैंने सोचा दिखानी चाहिए। तो मेरे साथ जो है एक मोहतरम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। नाम क्या है हजरत आपका? शफीक भाई। जो है आज मैं आपकी दुकान पर आया हूँ, तो क्या वैरायटी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या तफसील है, थोड़ा बताएँगे एड्रेस वगैरह थोड़ा मुख्तसर एक आध मिनट के अंदर अंदर। इसमें बेटा ये लियाकताबाद 10 नंबर है जी, फर्नीचर मार्केट कहलाती है, लियाकताबाद 10 नंबर है, और शॉप का नाम मेरी बदर फर्नीचर है। बाकी जो मेरे पास यहाँ पे आप माल देख रहे हैं वो टोटल लेमिनेशन के अंदर रखा हुआ है। अच्छा। मेरी दो शॉप है, ठीक, एक के ऊपर लेमिनेशन पॉलिश मिक्स है, वो दूसरी दुकान पे है, वो हाई क्वालिटी का है। उसके बाद ये नॉर्मल जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये टोटल लेमिनेशन और पॉलिश का कहलाता है, लेकिन गारंटी इसकी भी होती है चीज़ के वहाँ। अब उसमें चॉइसिंग पे कि जैसा कस्टमर चॉइस करे उसके हिसाब से। तो कम से कम के प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? कम से कम इसमें अगर 4 पीस रखते हैं तो विदाउट मैटर जो है वो 95 का पड़ता है। ठीक है, चलें बस अंकल स्टार्ट करते हैं। तो आप कहाँ से दिखाने शुरू करेंगे? सबसे पहले हमारा ये आ गया। अच्छा, मार्केट में काफ़ी रखा हुआ है, 104 कलर आते हैं इसके। 104 कलर तैयार में मेरे पास 2 कलर तो मौजूद है ये। अच्छा, ये क्या मटेरियल क्या है? लेमिनेशन पार्टेक्स कहलाता है, ये एक्रिलिक पे कहलाता है, ये फॉर्मिका है। अच्छा, इसमें 3 डोर वाली अलमारी है? 3 डोर वाली अलमारी होती है, ये इसकी ड्रेसिंग टेबल रखी है, ये बेड रखा हुआ है, ये डिवाइडर रखा हुआ है, बेड की लेंथ जो है वो 7.5 फीट होती है। ठीक, तो ये कितने का इस वक्त? 4 फीट का वो होता है ये, अगर 4 पीस अगर रखते हैं तो ये आपको पड़ेगा 1.10 का। 1.10 का बगैर गद्दे के? बगैर गद्दे के। अच्छा, और गद्दा कितने का आ रहा है? वो जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे हम कोई भी ले, ऊपर डिपेंड करता है। 11,000 रुपये से लेके 28-38,000 रुपये तक का गद्दा है। ठीक है, चलें और इस वाले पे आते हैं। ये रखा हुआ है, ये 1.15 का है। अच्छा, 1.15 का है ये। इसमें 3 डोर अलमारी है और ये बेड आ गया, साइड टेबल्स आ गई, वो डिवाइडर रखा हुआ है। ठीक है, और अंकल ये भी वही है? हाँ, ये भी लेमिनेशन है। लेमिनेशन, लेकिन ये एक्रेलिक पे नहीं है, ये सादा लेमिनेशन है। तो एक्रेलिक और सादे में क्या डिफरेंस है? एक्रेलिक जैसे आप ये देख रहे हैं ना, चिकनाहट होती है इसके अंदर, ये एक्रेलिक लगी हुई है। अच्छा अच्छा, ये लेमिनेशन टेक्सचर कहलाता है। फार्मिका भी तो कहलाता है ना? फार्मिका इसके ऊपर जो टक्कर जो लगी हुई है उसी मैचिंग का ये फार्मिका लगता है, बाकी ये लेमिनेशन होता है। अच्छा ठीक है, में है लकड़ी के माल में, गन्ने के माल में। ये वाला हमारे खास कस्टमर्स के लिए क्या रियायत हो जाएगी ये बताइए। देखिए पूरी मार्केट भरी पड़ी हुई है, लोग हमारी वीडियो देखकर जब आएंगे तो उनको कोई ना कोई फायदा होगा, तो फिर हमारा भी फायदा है और लोगों का भी फायदा होगा। ये एक मिसाल मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि अगर कस्टमर आपकी वीडियो देखता है और वो आता है हमारे पास रेट लेता है, हाँ, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि यार हम आपकी वो वीडियो देख के आए हैं। हाँ हाँ, वो तो लाजमी सी बात है। उसको खसूसी 10% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इस वक्त ये इस कंडीशन में क्या इसकी वो है प्राइस रखा हुआ है? ये 4 पीस जो है वो इस वक्त है 1.15 का। 1.15 का है? 1.15 का 4 पीस है। सही है,
और हर पीस अलग अलग है, फुल फोल्डिंग है। अच्छा, जैसे अलमारी उस बाजों को जीने वगैरह पतले होते हैं तो चढ़ाने में मुश्किल होती है, तो ये अलग अलग है, आसानी से हम लोग ऊपर चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक डिज़ाइन इसका ये आ गया, जल्दी जल्दी देख लेते डिज़ाइन। और एक डिज़ाइन हमारा ये आ गया, ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, इसके मुकाबले में ये थोड़ा बेहतर लग रहा है मुझे। और इसी की अलमारी पीछे भी है, और इसकी भी तकरीबन यही रेंज है, रेंज यही सेम है। अच्छा, इसकी तरफ जो है, इसके सामने जो है, ये डिवाइडर हैं, डिवाइडर ये फोर डोर वाला है ना? फोर है, लेकिन है साइज वही, साइज वही है। हाँ। अच्छा अच्छा, दो फोर दिए हो। उस तरफ देख लेते हैं। और ये दरवाजे जो है चैनल वाली हैं? हाँ, ये सादी हैं, चैनल वाली इसके अंदर दी है। हाँ, ये सब चीजें बस देखनी होती है। टोटल चैनल वाली दराज है, जिसका कैबिनेट दिया हुआ है, तलिया भी फुल। अच्छा, अंदर एक चीज मुझे शिकवा है, पता नहीं वो जाहिर है कहाँ से होता है, ये जो है ना, ये झूल जाता है, तो ये नीचे को इस तरह की सपोर्ट वगैरह नहीं लगा सकते फर्नीचर वाले? ये भाई मेरे पास ये इस पे कोई चीज भी रखो ना, बड़ी पतली सी चादर है, झूल जाता है, बिल्कुल गोल हो जाता है। क्वालिटी आती है, हाँ, लाखानी एक आती है पाकिस्तानी, इसी लेमिनेशन में जी, वो अमूमन झोल खा जाती है। हाँ, लगा रहे हैं ये इम्पोर्टेड मलेशिया है। अच्छा, झोल खाएगी, हार्ट टेस्ट होती है, झोल नहीं खाती। अच्छा, जितना भी आप रेट रखते हैं। और इसी तरीके से ये तलिया हमने दिया हुआ है। हाँ, वो तो खैर है ही, यहाँ भी पौने का दिया हुआ है, ये तो खैर मजबूत है, ये बस ये इसके थोड़ी सी है, बहुत पतली चादर का होता है। अच्छा जी, एक डिजाइन हमारे पास ये आ गया, इसकी क्या प्राइस है अंकल? ये 90 का पड़ेगा। इसमें मेरे पास तकरीबन इस वक्त जो मौजूद है दो डिजाइन पड़े हुए हैं, बाकी इसमें तीन चार डिजाइन है जो इसी प्राइस के अंदर मिलेंगे आपको। अच्छा, 90 का है, इसमें कलर्स यही है? कलर मैंने कहा ना कि 104 है, बाकी कस्टमर जो ये क्या कहलाता है, ये वेलवेट है ना? ये रेक्सिन लगा हुआ है, रेक्सिन है, दोनों लगते हैं, वेलवेट भी लगता है, रेक्सिन भी लगता है। और रेक्सिन के हम कलर्स मुख्तलिफ जो हमारी पसंद हो। ठीक है। अच्छा, एक सामने लगा हुआ है, ये वाली भी बता दें। ये 25 का है, सामने लगा हुआ, ये लाख का है, ये लाख रुपए का है। अच्छा, ये वाला 1 लाख का है। लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त की हुई आपने, इधर जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, गोल्डन और डार्क ब्राउन है, इधर हल्का सा ऑरेंज टाइप का है, तो ये चीज़ जो है ना, ये उठाती है असल में कमरे को, लाइट हो ना बड़ी डिम सी, तो उसमें फर्नीचर अलग से चमक रहा होता है। तो ये है जी, चलें और देखते हैं। ये भी इन्हीं की दुकान का हिस्सा है, दूसरी तरफ मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत 2-3 पीसेस नज़र आए मुझे। तो इसकी प्राइस बताइएगा अंकल? 125। ये भी 125 का है, टेबल ही है। ये है तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन वो पानी वगैरह से डस्टिंग करते हैं, जाहिर गीले कपड़े से ख़राब तो नहीं होगा इसकी चमक पॉलिश वगैरह? गीले कपड़े से आप इसको साफ कर सकते हैं, भाई इसकी एहतियात ये है कि जैसे हम लोग चाय में पापा डुबोते हैं, हाँ, ये पानी में ऐसे नहीं डूबे, बाकी लाइफ गारंटी मेरी है। पानी में ऐसे नहीं डूबे मतलब, जाहिर सी बात है, जाहिर है उसको कश्ती में तो लेके जाना है समंदर पार। 90% ऐसे ही भाई, मेरे पास कस्टमर आया था, सेट लेके था, 5 साल के बाद उसके ऐसे पाइप लगा के पूरे सेट को धो दिया, बच्चों ने मार कर निशान मार दिए थे, तो पाइप से धोया है, गाड़ी है कि प्रेशर मार दिया उसने। कोई भी घर में आए लो जी, जी पानी में मिला के आप इसको मारे सब डस्टिंग। अच्छा, से देखिए आप लोगों ने गरीबाबाद वाली अगर मेरी वीडियो देखी हो, तो उस बंदे ने ना इसी तरह का फर्नीचर था, अलमारी पे उसने चाबी रगड़ के यूं करके दिखाई थी, और बिल्कुल भी जरा बराबर भी इसे बोलते हैं ना निशान नहीं आया, तो वो चीज़ जो है लोगों को बड़ी पसंद आई अंकल वाकई। तो ये चीज़ बस देखी जाती है पायदारी, क्योंकि शुरू शुरू में तो हर फर्नीचर ही खूबसूरत लग रहा होता है चमकता हुआ, लेकिन बाद 5 साल 2 साल 3 साल बाद उसकी असल कंडीशन आती है सामने कि है क्या। कीड़े की तो लाइफ गारंटी हम देते हैं लिख के। किसकी? कीड़े की। कीड़े? अच्छा, लाइफ 2, 4, 5, 10 साल नहीं, आप पूरा कराची घूम लिए, बहुत ज्यादा अगर आपका तालुकात वाला। अंकल मैं थोड़ा टॉपिक से हट के आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह आपका तजर्बा है, मेरी जो अलमारियाँ हैं ना उसमें छोटे छोटे से ना कॉकरोच हो गए, तो मतलब क्या उसका कोई तोड़ वोड़ पता है आपको जहन में कोई ऐसी? दो बातें होती है इसमें जी, पहली चीज जब आप नया फर्नीचर लेके जाते हैं तो इसकी गैस इतनी होती है कि कमरे में आदमी नहीं जाता, उसकी आंखें जलती है। हाँ हाँ हाँ। दूसरी जो आप बता रहे हैं कि कॉकरोच अगर आ जाते हैं, इसके लिए आप इसमें काफूर की गोलियां डाल के रखें। अच्छा, जिस टाइम आप फर्नीचर लेके गए उस टाइम पे तकरीबन एक सेट के अंदर जो 6 गोलियों का एक पैकेट आता है, हाँ, तकरीबन 12 पैकेट आपको पूरे सेट में डालने पड़ेंगे। अच्छा, 12 कोनों में डाल दें सब जगह, आप उसको 12 पैकेट को कन्वर्ट करते हर चीज के अंदर डाल दीजिए।
एक हफ्ते के अंदर वो गोलियां जो है पाउडर बन जाएंगी। जब वो गोलियां पाउडर बन गई, इसका मकसद इसकी चिपबोर्ड की गैस खत्म हो गई, फिर आंखों पे नहीं लगेगी। सही। दूसरी फिर ये गोलियां आप कपड़ों के अंदर डालकर रख दीजिए तो कॉकरोच पैदा नहीं होगा। हाँ ठीक है। अच्छा भाई, एक ये बड़ा खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन मुझे और नजर आया, ये उसी तरह का मिलता जुलता लग रहा है डिजाइन। हाँ, लेकिन रेड से ज्यादा मुझे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लग्जरी एक जो है ना, इसमें एक लुक आ रहा है। लाइटिंग भी कुछ इस तरह की हुई है, ब्लू और ब्लैक, तो एक उससे जबरदस्त एक फीलिंग आ रही है अच्छी। और ये वेलवेट है या वही रेक्सिन है सामने? ये वेलवेट है। ये वाला कितने का है? एक पीस। ये एक पीस का है। अलमारी बहुत खूबसूरत है इसकी। ये डिवाइडर है इसका। अच्छा, ये डिवाइडर है। ये अलमारी है। अलमारी वो है। अलमारी में शीशे और कुशन आ रहा है। डिवाइडर पे लाइटें दे रहे हैं, अलमारी में भी लाइटें दी हुई है। अच्छा अच्छा, एक हमारे पास ये बचा है। और ये वाला अंकल? ये भी बेटा 90 का है। जैसे आपने बैग देखा था जो मैंने पहले इस तरह के तीन चार डिजाइन है जो 90 का पड़ेगा, उसी में एक डिजाइन ये है जो 90 का पड़ेगा। अच्छा, आजकल ये फूड चल रहा है जो बैठ के आगे छोटी सी स्पेस दे रहे हैं टाइप की। हाँ, मार्केट के और हमारे उसके अंदर फर्क होता है। हमारी सेटी पहली बात तो ये 12 इंच की होती है, मार्केट के अंदर 10 इंच की बनाते हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो है ये चीज जो बनी हुई है, तलिया भी उसी माल का लगाया हुआ है। ये चीज जो दी हुई है जो अलमारी पे लगाया हुआ है, जो अलमारी पे लगाया हुआ है, नीचे भी तलिया वही चीज का दिया हुआ है कि जो चारों साइड से ये नहीं है छुपा हुआ है तो उसको कुछ भी भर दिया लगा दिया जाए, ऐसा नहीं है। यही चीज जो माल हम उसमें लगा रहे हैं वही नीचे भी लगा रहे हैं और साइडों पे भी वही चीज, उसके माल में फर्क नहीं है। ठीक है अंकल, चाहिए उसमें कलर कॉम्बिनेशन आप बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि ये कलर इसके ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन जो रनिंग कलर्स हैं वो कौन से? रनिंग कलर तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होते ही हैं। अच्छा। आप 104 कलर में कोई कहता है कि यार मुझे सी ग्रीन चाहिए, अब सी ग्रीन के ऊपर मुझे ब्लैक चाहिए, तो सी ग्रीन पे ब्लैक नहीं उठेगा, तो समझा हम देते हैं। वो कहता नहीं यार मुझे चाहिए ये, तो भाई ठीक है बना देंगे, अच्छा लगे आपका बुरा लगे आपका, बिल्कुल क्लियर कहते हैं, ताकि बाद में आदमी कहे कि यार ऐसा नहीं है ऐसा हो गया। तो हमारे पास जो भी बात होती है एनी टाइम उसी टाइम क्लियर करते हैं बात, के हमारे पास चिराद वाली बात नहीं होती कि आदमी कहेगा नहीं यार मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा नहीं। बस आपके तजर्बा है उस पे समझ लें, आप लोग आते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू।